लिखिएगा इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेचर ऑफ वर्ब इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेचर ऑफ वर्ब इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर एक सरफेस पे केस वन कर दीजिए आप, केस वन क्या होगा देखिए। इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो उस केस में बच्चों कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन जीरो। और उस केस में जो वर्क डन होगा वो एफ एस कॉस थीटा, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव होगा। फिगर वाइज अगर दिखाना हो तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है और आपने फोर्स इधर लगाया और ये एक्यूट एंगल है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल थीटा 90 से कम है, मतलब एक्यूट है। उस केस में वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे उठा के रखें, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और यहां से हमने छोड़ दिया और ये एच हाइट नीचे आया, मैं आपसे पूछो कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्यों पॉजिटिव होगा? लिख दिए हैं किसके द्वारा, लिख दे रहा हाँ, तो फोर्स इस पे, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो एमजी फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और डिस्प्लेसमेंट भी तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो फोर्स ग्रेविटेशनल और डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री। फोर्स कितना हुआ? एम जी, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया? एच, और कॉस जीरो। इसमें वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? एम जी एच ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव होगा, है ना? ये मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। एक दूसरा एग्जांपल, अगर कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है
अगर मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, दिस इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये एक्स टी मतलब एक्सटर्नल एजेंट, और ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही हुआ। इस केस में स्ट्रेचिंग इन द स्प्रिंग हुआ होगा या इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, तो उसमें व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, पॉजिटिव की नेगेटिव, जिधर खींचे इफ एक्सटर्नल, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ, कॉस जीरो इज वन, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कैसा वर्क हुआ होगा, पॉजिटिव। Case 2, if theta is greater than 90 degree, obtuse wala condition, to cos theta less than 0, matlab negative hoga, to work done jo hoga, F S cos theta, kyunki ye negative mein hai, ye sab ko negative kar dega, वर्डन निगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मैंने इस पे फोर्स लगाया इधर की तरफ एक्सटर्नल एजेंट, और वो चला गया यहां से यहां, डिस्प्लेसमेंट, तो मेरे वजह से जो वर्क होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर ये रफ सरफेस है तो पीछे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल और नीचे एमजी लग रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा होगा वो पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, और कॉस 180 क्या होता है, -1, तो ये क्या कर दे रहा होगा, बोलो माइनस एफ एक्स, और एफ बराबर म्यू इंटू एन, और म्यू एन बराबर यहाँ पे क्या है एम जी के, यहाँ पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो रहा होगा, माइनस म्यू एम जी, माइनस साइन क्या बता रहा है, अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है। एक दूसरा एग्जांपल यहां, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है। इस केस में जब ये ऑब्जेक्ट को आगे खींच रहे थे, इलोंगेशन हो रहा था ये आगे, तो स्प्रिंग फोर्स इसको पीछे खींच रहा था और डिस्प्लेसमेंट इसको इधर हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180। अगर हम इस फिगर में बोलते कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा है, एफ एस पी मतलब स्प्रिंग फोर्स,
डिस्प्लेसमेंट एक्स और दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री, तो हो जाएगा ये माइनस एफ स्प्रिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां भी वर्क डन क्या होगा, निगेटिव जीरो। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका और ये मान लीजिए यहां पहुंच गया, कितना हाइट, एच हाइट, एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, आपने नीचे से ऊपर फेंका, ये यहां पहुंच गया, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हेयर। तो जब यहां कहीं होगा तो mg नीचे लगेगा फोर्स और जा ऊपर रहा, तो mg लगा नीचे और हाइट ऊपर और एंगल 180 डिग्री, तो आपका ये निगेटिव वर्क डन होगा। तो यहां क्या देखने को मिला कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स निगेटिव होगा, और अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव। केस थर्ड, केस थर्ड में लेते हैं हम लोग, मतलब जीरो वर्क डन की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं जीरो वर्क डन। वर्क कब जीरो होगा, किस किस कंडीशन में वर्क डन जीरो होगा, हमने इस दीवार पे फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, वर्क डन जीरो। केस वन, फोर्स लगाए डिस्प्लेसमेंट नहीं, वर्क डन जीरो। दूसरा, हम फोर्स ही नहीं लगाए, वर्क डन जीरो होगा। और तीसरा, फोर्स भी लगाए और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ लेकिन वर्क डन नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल एक पुली ऑब्जेक्ट को रखा और यहां से लेके यहां चला गया, है ना, ये बताओ इस पे मैं किधर फोर्स लगा रहा हूं, हम खड़े होने से फोर्स नहीं लगा रहे हैं, भार मुझे लग रहा है, ये मुझे लगा रहा है नीचे की तरफ, हम इसको कहां लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ, नॉर्मल हम जो फोर्स लगा रहे उसका नाम एन है और जा रहे हैं ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ और फोर्स ऊपर, दोनों के बीच का एंगल cos 90। तो अगर
इफ इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, फोर्स इज नॉट जीरो, देन वर्क डन इज ऑल्सो जीरो. दूसरा, इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो बट फोर्स इज जीरो, ये कैसा केस होगा भाई? कब ऐसा होगा कि फोर्स जीरो और डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो? फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? भाग कैसे जाओगे? ग्रेविटी फ्री जोन में. ग्रेविटी में मत जाइए, अर्थ पे ही करके दिखाओ कुछ ऐसा एग्जांपल. अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. मान लो मैं जा रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड से, मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो. मेरे पे नेट फोर्स क्या लगेगा? जीरो. व्हाट इज द, यहाँ पे नेट फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा? जी यहाँ भी जीरो. और इसी का तीसरा केस क्या होगा? इफ थीटा इज 90 डिग्री, यहाँ पे फोर्स भी जीरो नहीं है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं, दोनों लग रहा है. जैसे एक आदमी है, हाथ पे पकड़े हुए लेके यहां चला गया, है ना? यहाँ बड़ा खुश है, नहीं खुश ऐसे, और यहाँ पहुंचा तो आप बोले कि तुम वर्क ही नहीं किया, नो पैसा. बेचारा एक तो पसीने पसीने है, उसके बाद बोले तुमने तो वर्क ही नहीं. तो बोलो वर्क डन बाय द कूली क्या होगा? ये सब देख का मास एम है, ये इसको दबाएगा, पुलिस पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा, दोनों के बीच का एंगल. तो फोर्स एग्जर्टेड बाय द कुली, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो. तो बोलो जब ये जीरो हुआ तो पसीना क्यों आया? आप बोले वर्क ही नहीं किया. वर्क नहीं किया तो बेचारे की हालत खराब क्यों होगी? मस्कुलर वर्क हो रहा है, मेटाबॉलिक वर्क तो करेगा ना वो, उसकी वजह से पसीना छूट रहा है. इसके पैसा दे देना चाहिए, है ना? फिजिक्स का यूज तो हुआ ना, मस्कुलर वर्क तो कर ही रहा है ना, वहां भी तो फिजिक्स हुआ है. तो ये तीन केस आपने देखा, नेचर ऑफ वर्क.